कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कि मॉन्की पॉक्स नाम की बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। केरल के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस से ग्रस्त एक मरीज एलिन जेपी अस्पताल में भर्ती है। अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हजारों लोगों को संक्रमित करने के बाद ये बीमारी भारत आई है और देश के कई शहरों में इससे लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पूरे शरीर पर लाल दाने उभरने के अलावा इस बीमारी के लक्षण क्या है, कैसे ये वायरल फैलता है और सेक्स से इसका क्या कनेक्शन है, तो चलिए आपको बताते हैं मॉन्की पॉक्स से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब। मॉन्की पॉक्स से संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से ये वायरल एक से दूसरे शख्स तक पहुंचता है, खास तौर पर यदि संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर उभरे दानों को छू लिया जाए। मॉन्की पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को छूने के अलावा उसके कपड़े, टॉवल, बिस्तर आदि साझा करने पर भी ये संक्रमण फैलता है। करीब बैठे संक्रमित की छींक या खांसी से निकले ड्रॉपलेट से भी ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। आपको बताएं, मॉन्की पॉक्स के लक्षण संक्रमित होने के 5 से 21 दिन के भीतर दिखाई देने लगते हैं। मॉन्की पॉक्स संक्रमण के बाद तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, कमर दर्द, ठंड लगना और थकावट जैसे प्राथमिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मॉन्की पॉक्स का क्या है सेक्स कनेक्शन। मॉन्की पॉक्स संक्रमण किसी को भी हो सकता है, हालांकि इसका सेक्स कनेक्शन भी सामने आया है। अभी तक दुनिया में इसके जितने केस आए हैं उनमें से अधिकतर पुरुष हैं और गे हैं, यानी दूसरे पुरुषों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। आपको बताएं, डॉक्टर्स का कहना है कि मॉन्की पॉक्स और अनसेफ सेक्स के बीच संबंध सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि ये संक्रमण अधिकतर पुरुषों को हुआ है और चेहरे, पैर या हाथ से अधिक गुप्तांगों पर इसका असर देखा गया है। आपको बताएं, इस बीमारी को लेकर कई अन्य देशों में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है, खास तौर पर कॉन्डम के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण फैलने का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि किसी भी तरह से करीबी संपर्क से ये संक्रमण फैल सकता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।